तो आइए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। गुरुदेव की अपनी राशि है, गुरु सूर्य की राशि में जरूर बैठे हैं, मगर कहीं ना कहीं साढ़े सती भी तो लगी हुई है, उसका ध्यान रखना है। अपने धर्म को मत छोड़ें, संस्कार को मत छोड़ें, माता पिता की सेवा करें, समाज की क्रियाएं जो हैं उसमें अपना हिस्सेदारी निभाएं। वातावरण बहुत सुंदर है, शिरडी वाले साईं बाबा की आराधना और साथ में भगवान कृष्ण, एक बांसुरी भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दीजिए, जीवन और कैरियर दोनों में मधुरता आ जाएगी। कौटुंबिक समस्याओं का ध्यान रखें, पत्नी के साथ झगड़ा मत करें। कुल मिलाकर 60% उत्तमता भरा दिन, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 2। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। शनि देव की अपनी राशि या शनि मंगल की राशि में बैठे हैं, छोटी मोटी बात के ऊपर क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, मगर मकर राशि वालों आपके लिए पूरा साल उत्तम हो सकता है। अगर आप बुद्धि और विवेक से चलेंगे तो बिल्कुल कहीं कोई चिंता नहीं है, चारों दिशाओं से धन लाभ के योग बन सकते हैं, व्यापार में वृद्धि हो सकती है और व्यापार में वृद्धि होगी। जो आपका धन 2015 में था उससे डबल इस साल हो सकता है। शेयर मार्केट में धन लाभ के योग बने हुए हैं, ट्रस्ट चलाने वाले लोगों का, संगठन चलाने वाले लोगों का, हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, संस्था चलाने वाले। कुल मिलाकर 80% उत्तमता भरा दिन, काले रंग का इस्तेमाल और भाग्य अंक है 10। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात करते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर पूरा साल कुंभ राशि वाली स्त्रियां, और आपकी राशि में बैठे हुए हैं बुध, बुद्धि और विवेक से पूरा साल आप चलेंगे। मगर आज का दिन भी अति उत्तम है, हो सकता है कोई घर में आपके हवन या यज्ञ करवा लें आप, और कोई घर खरीदने के MOU या एग्रीमेंट साइन करें। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, समय अनुकूल है, सेकंड बेस्ट राशि ऑफ द डे। महालक्ष्मी की आराधना करें, समुद्र तट पर बैठी आपको आशीर्वाद दे रही है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। आज का दिन 85% उत्तम दवरा, नीले रंग का उपयोग और भाग्य अंक है 8। आखिरी राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, गुरु की कृपा बनी हुई है, माहौल में सुंदर सकारात्मकता सफलता बनी हुई है, तो कीप स्माइलिंग, खुश रहें। कभी कोई चिड़चिड़ाहट होती है, आपने देखा होगा आपकी राशि के चिन्ह जो है वो मछली है, तो रेस्टलेसनेस को त्याग दें। वातावरण में शुभता लाने के लिए प्राणायाम, योगा, आलोम विलोम, मुद्रा प्राणायाम, हर चीज़ को अपनाएं। नया ऑफिस लेंगे, नई कार लेंगे, नया घर लेने के योग पूरे साल में बनेंगे। बच्चे के साथ सुंदर व्यवहार रहे, नहीं तो बच्चे के माध्यम से आपको कोई छोटा मोटा कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन 70% उत्तमता भरा है, सिल्की नीले रंग का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 1। तो मित्रों, ये थी आज ईस्वी 2016 1/1/2016 की 12 राशियां। आइए खुशी से 2016 का अभिनंदन करते हैं, 2016 को खुशी से गले लगाते हैं, और 37 करोड़ देवी देवताओं से और अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में और पूरे विश्व में शांति हो। इसी के साथ कल शनिवार है, फिर मैं अपने 12 राशियों को और 9 ग्रहों को लेकर आपके समक्ष आपके मार्गदर्शन के लिए हाजिर होता हूँ। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग। हरिओम।